आज हमारे बीच आज एक ऐसा व्यक्ति है जो एक देश का नाम ऊपर किया है। हमारे बीच हमारे मित्र श्री सुनील कुमार कुशवाहा जी, इन्होंने कुशीनगर उत्तर प्रदेश से भ्रमण करते हुए लखनऊ, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से होते हुए आज उनका महाराष्ट्र में उनका यहाँ पे एक अंतिम जो उनकी साइकिल यात्रा से समाप्त हुई है। आज हम सब लोग यहाँ से ठाणे जिले से हमारे साथ में हमारे मित्र भरत भाई केलस्कर जी हैं, रमेश जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और सबसे पहले इनका मैं आभार अभिनंदन करूँगा कि बहुत एक गर्व की एक अभिनंदन की बात है कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस उम्र में इतना बड़ा पड़ाव पार किया है। मैं इनसे एक यही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी सबक ले कि ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश में देश का भ्रमण कर रहा है, अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है, ऐसे वो लोग भी आगे आए और इस प्रकार आगे बढ़ाए। मैं आपको बता हमारी व्यक्त करता हूँ आज हमारे बीच देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे बीच युवाओं के लिए मैं आशा करूँगा उनके और सब कुछ प्रेरणा दे। सबसे पहले आप सभी मुंबई वासी को मेरे तरफ से और आने वाले सभी मुंबई वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी एक ऐसा जल्दी चलाइए ताकि सारे इंसान हर लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर पेड़ लगाना शुरू करें, क्योंकि पीढ़ी कैसा हमारा जीवन है और जल एक ऐसा जीवन है कि दो चीज़ अगर ना रहे तो इंसान का जीवन व्यर्थ है। तो इस चीज़ को बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। तो आइए हम सब आगे बढ़ के कदम से कदम मिलाकर पेड़ लगाएं और जल को बचाएं। कहा गया है सेव वाटर सेव एनवायरमेंट। जब तक हमारा पर्यावरण और जलवायु ये सुरक्षित नहीं है तो हम कहेंगे कि हम भी सुरक्षित नहीं है। आपको मारने के लिए तैयारी की है और उस चीज़ को आप थोड़ी सी मदद करें, अपने माँ बाप को कहीं आश्रम में ना डालें। और इसी के साथ साथ शिक्षा को भी आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मैं कई कंपनियों में देखने को मिला कम एज में माँ बाप अपने लड़के को काम पर रह देते हैं, तो काम पर ना देखें नहीं ज़्यादा पढ़ा सकते हैं तो कम से कम 12 तक उसको पढ़ाएँ ताकि अपने अलग जाके कुछ अपने लिए अच्छी ढंग से काम दे सके कर सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा इन्होंने वक्तव्य दिया है, वाकई प्रेरणादायक है। हम सब यही लोगों से आग्रह करेंगे कि उनकी बुरे बातों को मन में लाएं। जय हिंद, जय महाराज। धन्यवाद।